हरि ओम बबुआ गोपीचंद। इसे क्या कहते हैं? पूछिए पूछिए, आप पूछिए, हमारे घर कहाँ है? ईश्वच्छा का नाम क्या है? रुपेश बिहारी। अरे तारा दादी रे, तो खटिया पौवा हमरा नाम केना जाने गेले? अरे ओ बबुआ गोपीचंद, आज इसको पूछिए, इसको पूछिए तो किसका कान काटेंगे? किसका कान काटोगे? मंत्री के। अरे तो राधा खा में कौन है झांपी लो। अच्छा जगी वाह बच्चा, अच्छा इसको पूछिए तो हमार घर कहाँ है? बताएगा? आप पूछिए ना। बताओ बाबा गोपीचंद, इस बच्चे का घर कहाँ है? डगडरी लाल गा। और जगी वाह, आप तो 6 महीना आगे पीछे जानते हैं। जानता हूँ बच्चा। अच्छा इसको पूछिए तो हमार जन्म कब हुआ है? खाली हाथ कुछ नहीं बताता है बाबा। आपके बार दोनों हाथ में पकड़ा देंगे। कुछ है तो बताऊंगा। जी कुछ है कि ये बता। इसको पूछिए तो हमार जन्म कब हुआ है? जन्म मरण बाद में बताएंगे। इस समय क्या चाहिए आपको? फ्री में सब कुछ जानना चाहता। अरवा चोर चाहिए। अलग श्री रंजन, अलग श्री रंजन, जय बाबा गुरु गोरखनाथ। खटिया मुकाबला प्रचार गाड़ी बिल्कुल यहाँ पर। बच्चा हमारा देख लो, कहीं मुंह धोता हो। सबसे पहले तू ये बताओ, ये नगर गुजरात है? जी आपको बताया किसने है? मैं सब कुछ जानता हूँ। आप सही ठिकाने पे आए हैं। ये महाराज का दरबार है। जी राजा गोपीचंद का। लेकिन तुम्हारा महाराज है कहाँ? हमारे महाराज चल गए यहाँ से मंडी, अभी तक नहीं आए हैं। अच्छा ऐसा करो, बूढ़ी माँ को जाकर के खबर कर दो कि एक जोगी बैरागी आए हैं दरबार में और आपके हाथों से भिक्षा चाहते हैं। लेकिन जोगी बाबा, जरा आप इधर आई हो, इस समय आप जब जब भी आप बोलते हैं, आपका नाक, आपका मुई अलग निरंजन, जोरे बसी गवर, यही बाबा गुरु गोरखनाथ। दावर लाल यहाँ नहीं चले छे हो, सब ना कोलगेट घसे छे। तू जा और एक 5-10 हाथ मोटा शीशम का पैर कटवा दो, उसमें आग लगा दो, धुनी रमा करके मैं बैठूंगा। लेकिन जोगी बाबा, अगर इससे मां मालकी माता जी के हाथों से भिक्षा लेना चाहते हैं, आप चल करके पीछे में कुछ पल के लिए धुनी रमाइए, अपने आलोक को जगाइए और मिलेंगे इस समय सबसे पहले महल के रहने वाले माताजी से। क्यों नहीं जोगी बाबा, मैं इसी जगह धुनी रमा करके बैठता हूँ। आपको भोग भी लगा है? आसन लगा करके भोग भी लगा है। रमता जोगी बहता पानी, मिल गया तो खा लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। इस समय आपको खाना चाहिए? इस समय आपको खाना पीना चाहिए? बिल्कुल नहीं, रात में नहीं खाए थे, समय नहीं है मेरे पास। आप धुनी रमाइए। दुनिया रमाबई गोपीचंद आलो, खजगाबई हो आलो, खजगाबई हो, आजु बैठई नागर गुजरात रमा हो, आजू बैठे नगर गुजरात तनु रे की Ooh.
अच्छा जगैया जोगिया तूनी यारा मैया हो दुनिया रा मैया हो बैठी जैया आसानी वाला जब जब जन दरबार जेबा नौकरी करे वहां भिखारी हमरा ढेर मिले छे एको के दौनी पुणे रजाना सब भिखारी आवाज लगे छे बुढ़िया का गे बुढ़िया गे गे अपन सुटखी आ देलियो का बढ़िया आ मैया सीसा गरम हाली आगे आगे सीसा गरम हाली आगे अब भगले यही है बेटा आगे मयो ठंडियों में स्वेटर ने पीने जाएगा नहीं पहनती बेटा मतलब पुराना हड्डी छोगा बहुत मजबूत है आगे मयो गया दादी बेटा दादा आज पर भाग गया लो ता बढ़िया दुख लो प्यास लो ठट लिया जी अच्छा गया दादी बेटा मंत्री तेरा बेटो नहीं आए लो कथिल कथिल बता बता घर जगला जाएगा मंत्री आ बताओ लेकिन माता जी हाँ। आज दरबार में आपका पुत्र नहीं आए हैं नहीं आए लेकिन आपके बेटा की तरह नौ नौ आपके बेटा के जैसन मुंह आपके बेटा के जैसन आवाज आवाज अपने दरवाजे पे खटिया का पौवा लेके खटिया की पौवा लेकर जी प्रचार गाड़ी आए हैं प्रचार गाड़ी जी जोगी बाबा क्या अपने दरबार पे जोगी बाबा आए प्रचार कर रहे हैं डावर लाल दत्त मंजन वोट जान निकल जाए कोनो की दिक्कत की बात नहीं मंत्री अब मैं कल ये हमने घोटबो ये सब ना फरे को घोटो मंत्री आ बताओ मेरा बेटा गया गोपी चंद जंगल से गाड़ के निकली जी माता जी लेकिन अभी तक शीतल वन जंगल से लौट कर अभी तक नहीं आए लेकिन माता जी हाँ वो जो जोगी बाबा आए हैं वो छह महीना आगे छह महीना पीछे भविष्य में बताते हैं बताते हैं आप इस समय चलिए जोगी बाबा के पास अगर इस समय महाराज नहीं आए है तो जोगी बाबा से आज पूछिए अगर वो छह महीना आगे पीछे जानते तो पूछिए महाराज गोपी चंद कब आएंगे क्यों नहीं मंत्री चलने की प्रयास कर माता जी चलो चलते हैं अब भाग ले मां चलावा ये मैया राजा जरा बाजा भोगे आगे राजा तारा बाजा भोगे अब भाग ले चलावा जो चलवा जोगी अरे जोगी चलवा जोगी अरे
हम जोगी बाबा माता जी